हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। सो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन फोटो को मैं बैकग्राउंड चेंज करके ये वाला बैकग्राउंड लगाने वाला हूं। तो जैसे आप देख रहे हो कि फ़ोटो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया एडिट के बाद। तो चलो फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बता देता हूँ कैसे एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट में आ जाना है। पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐड फोटो पर ये जो प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको एडिट अ फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला बैकग्राउंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो इस वाले बैकग्राउंड को। तो इस वाले बैकग्राउंड को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और पिक्सआर्ट में ले आकर ऐसे ले आना है। यहाँ पर ले आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से फ़ोटो को ले लेना है, खिंचवा लेना है, या आपके पास होगा तो ऐसा कुछ करके और बैकग्राउंड चेंज कर लेना है आपके फ़ोटो का। ऐसा बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको इसको ऐसा लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग्स कर लेनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि आपको लगे कि फ़ोटो बिल्कुल ही रियल है, फेक नहीं लगे। ऐसा फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट वाले टूल पे जाएंगे। एडजस्ट वाले टूल के जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ ले जाना है, ताकि हमारा क्या होगा कि फ़ोटो को अभी क्या करना है, बैकग्राउंड से मैच करना है, ताकि हमारा फ़ोटो बैकग्राउंड से मैच कर जाए। तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये करने के बाद आपको कंट्रास्ट पे जाना है और यहाँ पे ऐसे ही जितने भी सेटिंग्स हैं वहाँ पे हल्का फुल्का करके आपको अपने फ़ोटो को बहुत ही कमाल से आपको ऐसा ले लेना है अपने में। ठीक है, सिचुएशन को हम डाउन कर देंगे ताकि हमारा, देखो यहाँ पे हमने कर दिया, इसको प्लस किया। तो कुछ इस तरीके से होने के बाद अभी क्या करना है कि यहाँ शैडो को भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। ये डालने के बाद हमारा फ़ोटो ओके हो गया, हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा पिक्सआर्ट का काम ख़त्म हो गया, हम यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेंगे। ऐसे देख सकते हो आप कैसा हो गया है, बट अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आपको। इसको हम लाइटरूम में एडिट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे फ़ोटो को डाउनलोड कर लेने के बाद, नहीं, सबसे पहले अभी क्या करना है, यहाँ से शैडो पर जाना है। ठीक है, इस शैडो में आने के बाद आपको यहाँ से साइज़ वगैरह सा एडजस्ट करके, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसा आपको रखना है। यहाँ से हार्डनेस 0% रखना है और साइज़ 128 और ओपेसिटी 30 या 39 के समथिंग रखना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फ़ोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको ऐसा कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ले आकर के कुछ इस तरीके से कर देना है, ताकि हमारा, देखो कोई भी हम फ़ोटो एडिट मतलब खिंचवाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक शैडो बनता है पीछे की तरफ। तो उस शैडो को यहाँ पर लाने के लिए हमको यहाँ से ये करना है, यहाँ पे डालना है हमको शैडो। तो इसके लिए हमने ये सब किया। तो यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा ऐसे जूम करके और यहाँ से हल्का सा लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से जो आपका हेयर है यहाँ भी हल्का ले लो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये शॉर्ट पे थोड़ा सा लेना है। ठीक है, फिर मतलब ऐसे चारों तरफ से हमको करना है, ऐसे शैडो ले लेना है, अपने फ़ोटो पे शैडो लगा लेना है। ठीक है, तो आई थिंक हो गया ये। तो इसको ओके कर देंगे और फ़ोटो को सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैसे देखो यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। तो इसको फ़ोटो को हम सिंपली सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद आपको चलते हैं लाइटरूम में। अब इस फ़ोटो को हम यहाँ से लाइटरूम में शेयर कर देंगे। आप भी ऐसे शेयर करके लाइटरूम में एंटर कर सकते हो। लाइटरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ला लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइटरूम में आ गए हम। लाइटरूम में आने के बाद हमको ये वाला जो टूल है यहाँ पर आना है, कलर वाले, और यहाँ से आने के बाद हमको कुछ इस तरीके से शैडो बढ़ा देनी है। और उसके बाद एक्सपोज़र को हल्का सा, हाइलाइट्स को हमको कम करना है। ठीक है, तो हाइलाइट्स को हमने यहाँ पे, एक्सपोज़र को यहाँ पे प्लस में थोड़ा रखना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस होनी चाहिए फेस पे। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली और कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है, सेट करना है इसको भी। फिर उसके बाद हमें वॉइस को बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक्स को कम कर देंगे। मतलब जैसा आपको फ़ोटो में अच्छा लगे देखने में कि हाँ ये अच्छा है, तो आपको उतना अमाउंट में रखना है। ये करने के बाद हम कलर मिक्सिंग टूल पे आने के बाद अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से
टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस करेंगे, पहले वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरा जितना आपका एक कलर है ना, सारे अलग अलग डिटेल में खुल कर आती है कलर, तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं इसको। और ये करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये होने के बाद आपको यहाँ से आ जानी है इस वाले कलर में। पहले कैसा था, अभी कैसा है देख लिया आपने, अब इस वाले कलर में आना है। और यहाँ से आने के बाद देखो कुछ इस तरीके से, आप ऐसा कलर भी रख सकते हो, बट मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इस टाइप का रखूँगा, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद आपको क्या करना है कि इतना रखना है, और उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है। ऐसे करके हम हर एक कलर को नहीं, जितना मतलब हमको चाहिए उतना कलर में हम थोड़ा सा उसका सैचुरेशन, ह्यू और लेमनेस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा फ़ोटो बिल्कुल एक्चुअल रियल लगे और देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए हमें ये सब करना है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं दूसरे वाले कलर में, इस वाले कलर में। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से, तो जो फ्लावर्स है पीछे रेड कलर का वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ फेस को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए आप ये वाले टूल का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फेस थोड़ा ब्राइट हो गया पहले से। और उसके बाद ये होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आकर के हमने इसको कर दिया ओके। उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ से आगे हम पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये करने के बाद हमारा यहाँ से इस वाले टूल का काम हो गया। अब इसको हम कर देंगे डन। ये डन करने के बाद आपको नेक्स्ट शार्पिंग वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ से टेक्सचर को बढ़ाना है। टेक्सचर इसलिए हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा फ़ोटो में एक एक डिटेल आए। जैसे कि कोई भी आप फ़ोटो एडिट करते हो तो उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो इसीलिए टेक्सचर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये कलर नॉइज रिडक्शन वगैरह वगैरह आ गया, ये सब आपको कॉमन सी सेटिंग्स है, ये कर देनी है। ये होने के बाद आपका फ़ोटो देखो कमाल का लग रहा है, पहले कैसा था अब कैसा लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। बट अभी और स्टेप बाकी है, अभी शेयर करते हैं इस फ़ोटो को हम ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम ऑटोडेस्क में आ गए, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोडेस्क में ओपन हो गया हमारा वो वाला फ़ोटो, ऑटोडेस्क में ओपन हो गया। ऑटोडेस्क में आने के बाद ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आना है, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कौन सा ब्रश लेना है। ये वाला ब्रश लेना है देखो यहाँ से, और साइज़ जितना मैं रखा हूँ सेम आप साइज़ रखना। इतना रखने के बाद मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे ये जूम कर लेना है बिल्कुल फ़ोटो को, और जूम करने के बाद अपने ऐसे स्क्रॉल करना है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है अपने फेस पे। इससे क्या होगा कि आपका फेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और फ़ोटो काफ़ी कमाल का लगता है ये करने के बाद। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसा फ़ोटो काफ़ी अपलोड किया जाता है, तो इसलिए हम करते हैं। तो इसको चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता देता हूँ आपको कैसा करना है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में आप फटाफट से देख लोगे, क्योंकि ये थोड़ा करने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगता है 5-7 मिनट का। तो अगर आप बिगनिंग हो तो आपको कुछ ज़्यादा लगेगा, और जो भी मैं स्टेप बताऊँ उसको ध्यान से देखना। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आकर के एक कलर वाले ऑप्शन पे आकर के इसको हमको बिल्कुल इतना रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमको इसको डाउन करना है बिल्कुल ऐसे करके यहाँ से इतना। उसके बाद ये येलो वाला जो ऑप्शन है यहाँ भी इसको इतना डाउन करना है। तो डाउन करने के बाद आप देख सकते हो फ़ोटो काफ़ी कमाल का हो गया, बिल्कुल चेंजेस हो गया फ़ोटो में, और फ़ोटो आपका बिल्कुल रियल लग रहा है। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो, सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं।